हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस राज में राजस्थान की गरिमा दागदार दिया कुमारी। महिला मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस पर लगी आरोपों की झड़ी। जो प्रदेश महिलाओं की आन बान और शान की रक्षा के रूप में प्रसिद्ध था, आज उसी प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित और लाचार बन गई है। अपराध पर अपराध के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार अंधी व बहरी बनी है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पाड़न पोल में राज्य सरकार की विफल कानून व्यवस्था एवं बढ़ते महिला अपराधों के विरुद्ध में शुरू हुई रैली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन करते हुए राजसमंद सांसद व प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार इतिहास जिसके नेतृत्व में राजस्थान की गरिमा दागदार हुई है। सांसद दिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को सभी क्षेत्रों में पीछे धकेल दिया है। बढ़ रहा है तो सिर्फ अपराध का ग्राफ, महंगाई हो या महिला अत्याचार, रोजगार और कानून व्यवस्था हो या धार्मिक मामले, कांग्रेस सभी मोर्चों पर विफल रही है। गहलोत गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 है, जो हमारे लिए शर्म की बात है। पिछले दिनों ही अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली जिले के तख्तगढ़, चित्तौड़गढ़ के बस्ती और राजसमंद के कुरज गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारी संस्कृति और संस्कार का गला घोट रही है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस के राज में हैवानियत बढ़ गई है, जो बड़े ही शर्म की बात है। जनता का शासन एवं प्रशासन से विश्वास उड़ गया है। पूरे राजस्थान में भय और अपराध का भयंकर वातावरण बन गया है। धार्मिक भेदभाव पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है। करौली में दंगाइयों पर कार्रवाई के स्थान पर अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। अलवर में ही गौशाला पर बुलडोजर चलाकर गौ माताओं को बेघर किया गया। हिंदुओं के त्योहारों पर धारा 144 लगा दी जाती है। सालासर में राम मूर्ति दरबार वाले दरवाजे को गिराना, हिंदू धार्मिक आयोजनों यात्राओं पर रोक लगाते हुए डीजे पर बजने वाले भजनों की जानकारी मांगना, गोपालन के लिए लाइसेंस, समुदाय विशेष के लिए बिजली कटौती नहीं करना, जिला कलेक्टरों को रोज इफ्तार के लिए सूची बनाने के लिए कहना, श्रीराम के नारे को भड़काओ बताना आदि ऐसे कृत्य हैं जो कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करते हैं। सांसद दिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रोजगार का झूठा वादा करके बेरोजगारों का मजाक उड़ाया। 26 लाख लाभार्थियों से जुड़ा हुआ रीट का पेपर लीक मामला प्रदेश की सबसे बड़ी धांधली है। पचवारी कांस्टेबल, मेडिकल ऑफिसर, स्टेनोग्राफी या RAS परीक्षा हो, सभी में कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा सामने आया। चित्तौड़गढ़ में 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार एवं राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में महिला मोर्चा का विरोध जुलूस पाडन पोल चित्तौड़गढ़ किले से शुरू हुआ, जो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। बाद में मासूम के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर CP जोशी, सांसद चित्तौड़गढ़ अलका मुंदड़ा, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा चंद्रभान सिंह आक्या, विधायक चित्तौड़गढ़ सुरेंद्र सिंह राठौड़, विधायक कुंभलगढ़ गौतम दग, जिला अध्यक्ष एवं विधायक बड़ी सादड़ी सहित कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। जागरूक टीवी के राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।